गुड आफ्टरनून जी सर गुड आफ्टरनून एवरीबडी एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वेरी स्पेशल इसलिए क्योंकि ये गाना जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं वो इस कहानी का जो आई थिंक इट्स द थ्रेड ऑफ द फिल्म इट्स द सोल ऑफ द फिल्म एंड इट रियली बाइंड Uh, the entire narrative. Uh, apart from the fact कि जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं so I we cannot wait to share this song with all of you. But more importantly, क्योंकि मेरी दोस्त लक्ष्मी अगरवाल हमारे साथ हैं आज और um, finally, I think uh, I think the media was very very curious. Uh, पहले दिन uh, जब हम लोगों ने trailer launch किया तो बहुत लोगों ने पूछा कि लक्ष्मी कहाँ है लक्ष्मी कहाँ है तो क्यों नहीं है लक्ष्मी क्यों नहीं करेक्ट प्लान फॉर हर तो फाइनली लक्ष्मी इज विथ अस लक्ष्मी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस थैंक यू कि आपने हमको मौका दिया ये कहानी दिखाने के लिए बताने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है एंड थैंक यू कि आपने दिल से किया नॉट वंस डिड यू डाउट अस नॉट वंस डिड यू क्वेश्चन अस और आपने जो भी किया है आपने बहुत दिल से किया है एंड आई होप यू आर प्राउड ऑफ द मूवी दैट वी हैव मेड एंड आई होप वी हैव बीन एबल टू डू जस्टिस टू योर इनक्रेडिबल एंड इंस्पायरिंग स्टोरी तो अब मैं चाहूँगी कि लक्ष्मी कुछ कहें थैंक यू दीपिका टाइम तो वैसे 12:30 हुआ है पर मैं हमेशा कहती हूँ गुड मॉर्निंग जब जागो तभी सवेरा मुझे बहुत खुशी है कि मैं मेघना मैम से 2016 में मिली थी और मेघना मैम ने बोला कि लक्ष्मी हम इस कोर्स पे काम करना चाहते हैं साथ में क्योंकि अगर देखा जाए 2013 से पहले कोई भी एसिड अटैक वायलेंस को नहीं जानता था उस तरीके से लेकिन जब खुद सर्वाइवर्स बाहर निकल के आई और अपनी स्टोरी को रखना शुरू किया तो वो हर कानों में वो आवाज़ गई और जब वो आवाज़ गई तो आज वो एक फ़िल्म के रूप में बाहर आई दूसरा ये भी कि सोसाइटी को ये फिल्म एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगी और थैंक यू दीपिका जो आपने लक्ष्मी का रोल प्ले किया और मुझे बहुत खुशी है कि एक्चुअल में जो ब्यूटी है आज आपने दिखा दिया कि ब्यूटी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है अवेयरनेस बहुत ज़रूरी थी इस कॉज को बाहर लाना बहुत, बहुत ज़रूरी था और कहीं ना कहीं जो सर्वाइवर विक्टिमाइज़ होती है और जो सोसाइटी के दिमाग में जो तेज़ है ये फिल्म के थ्रू लोगों के दिमाग से तेज़ निकलेगा तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोग साथ में हैं और इस कॉज को आगे बढ़ा रहे हैं और जो लोग विक्टिमाइज़ होते हैं उनको एक्चुअल एक्चुअल में फाइटर के रूप में बाहर लेके आ रहे हैं सो थैंक यू सो मच और आप सब लोग भी जरूर जाइएगा मूवी देखने और आप लोगों को पता चलेगा एक्चुअली में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है तो जब आप मूवी में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या होती है लाइफ में प्रॉब्लम्स थैंक यू ज्यादा वक्त नहीं लूंगी इस फिल्म में जिम्मेदारी है और भरोसा है और दोनों को निभाना बहुत ज़रूरी था हम सब के लिए जैसे विक्रांत ने कहा कि एक साल से हम इस फिल्म पे काम कर रहे हैं ये सफ़र हमारे लिए बहुत ही मेमोरेबल बहुत ही प्रेशस रहा है आठ दिन बाकी हैं इसके बाद हम हमारी मेहनत आपके सामने सौंपेंगे उस मेहनत का एक हिस्सा आज आपको दिखाएंगे, जो हमारा टाइटल ट्रैक है Uh, जिसका नाम है छपाक उसको कंपोज किया है शंकर एहसान लॉय ने लिरिक्स लिखे हैं गुलजार साहब ने और उसे गाया है अरिजीत सिंह ने um, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी विल प्रेजेंट आर टाइटल सॉन्ग टू यू और um, आसान नहीं है कि इस तरह की फिल्म में कैसा म्यूज़िक दें uh, ज़्यादा खुश भी नहीं हो सकते ज़्यादा उदास भी नहीं हो सकते एक बहुत ही महीन बैलेंस कायम रखना ज़रूरी होता है लव्स के तौर पे क्या लिखें जब आप एसिड अटैक्स के बारे में बात कर रहे हैं ये सारे मुश्किल काम मैंने सौंपे शंकर एहसान लॉय एहसान आज यहाँ नहीं है एहसान वी मिस यू वेरी मच और उन्हें जिनके लव्स इस गाने में हैं तो मैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूंगी शंकर लॉय प्लीज एंड इन्हें भी बुलाना चाहूंगी पापा एंड लास्टली आई वुड ऑल्सो वांट टू कॉल ऑन स्टेज विजय सिंह ऑफ फॉक्स स्टार स्टूडियोज

I think I am blessed. I have worked with Gulzar Saab multiple times, and this is such a special relationship. And thank you so much. Shankar, I am here. I इन तीन लड़कियों ने बड़े कमाल किया है क्योंकि ये सिर्फ अकेली एक फिल्म नज़र नहीं आ रही है ये पूरी की पूरी एक उर्दू में कहते हैं तहरीक है अंग्रेजी में कहते हैं मूवमेंट इट्स अ मूवमेंट इन द सोसाइटी और इस तरह की फिल्म बनाने के लिए जो तीन प्रोड्यूसरों के नाम लिखे हैं ये ये तीनों भी कमाल हैं जिसमें मैं विजय जी शामिल हैं और गोविंद इस वक्त नहीं है हमारे साथ एहसान नहीं है लेकिन एक और प्रोड्यूसर हमारे साथ है, जिसमें इन तीनों की बड़ी हिम्मत है कि इन्होंने ये इरादा किया कि नहीं ये बात कहनी है ये सिर्फ खेल के लिए नहीं है ये सिर्फ ये कोई बात है जो उन्हें कहनी है जिन्हें समाज को कहनी है लोगों से कहनी है और पहुंचानी है ये बात वहाँ तक इन तीनों की बड़ी हिम्मत है इसमें और परफॉर्मर्स आप जानते हैं एंड लक्ष्मी जहाँ से कि ये ये रोशनी उगी ये पैदा हुई और शुक्र बड़े अच्छे लफ्जों में एक नाने कहा मेखना ने अभी कि इसमें कहाँ गुंजाइश थी म्यूज़िक की या गाने की नहीं ये 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 म्यूज़िक जिंदगी का म्यूजिक है जो बहुत ज़्यादा अहम है, है उस म्यूज़िक से उस संगीत को जो आप रोज़ सुनते हैं ज़िंदगी का संगीत है इट हैज़ टू विन फाइनली ये यहीं पे आके विक्ट्री है थैंक्स टू लक्ष्मी वंस अगेन फॉर दैट कि ये उसकी मुस्कुराहट से पैदा हुई है ये रोशनी और चली आई है समाज तक गई है जो बहुत ही ज़रूरी है बस इतनी सी ही बात है जो मेरा ख्याल है बहुत खूबी से कही है और शंकर निशान लॉय इन लोगों ने तो रिदम दे दिया जिंदगी को उसी जिंदगी को जो हमें एक जगह लगा कि सुखड़ गई या बंद हो गई है मुट्ठी में हो गई है जो छपाक से जला दी किसी ने उसको एक तहरीक बना दिया एक मूवमेंट बना दी बहुत बहुत शुक्रिया म्यूजिक फॉर सो मैनी फिल्म्स, बट films like these when they come to you you really look up and you thank god that you know doing one film like this is equivalent to doing 20 films the effect the kind of impact that it has on everybody and you know to use music as a tool to communicate the message see this this film is it's, it's not about box office. It's not about commercial success. It's not about. It's way, way, way above all these things. So, you know, just me, Hassan and Loy, Gulzar Saab, being associated with this amazing, amazing, amazing team. Really, thank you so much. This is just when we look back at the end of our career, we will, you know, we'll see that this is one, you know, gemstone, Kohinoor, which is there in our lives that we were part of. So, you know, really thank you, Meghna.

तो शायद बच्चों के लिए लायक ना हो या युवा लोगों के लिए लायक ना हो लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसे यू सर्टिफिकेट दिया जो आज तक मेरी किसी फिल्म को नहीं मिला है सबको यू ए मिला है विथ नो कट्स ये पहली फिल्म है जिसको यू मिला है विथ नो कट्स अम, और इसके लिए हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि ये कहानी जितनी दूर तक पहुँचे उतना ज़रूरी नेचुरली हम सब बहुत खुश हैं और हमें बहुत खुशी है कि आपने कहा कि ना पसंद करने के लिए इस गाने में और इसके विजुअल्स में कुछ है नहीं आ, हम सब की उम्मीद ये है कि आप फिल्म के बारे में भी यही सोचेंगे मेघना जी दीपिका शंकर एस लॉ सबके लिए सबसे पहले ये जो गाना था इस गाने के बाद आप लोग इमोशनल हुए हम सभी लोग गला चोक हो गया और ऐसे लगा कि आ, चपाक से बेहतर कोई शब्द ही नहीं हो सकता एक शब्द में इतनी सारी बातें इतना इमोशन एक पूरी कहानी एक पूरी जिंदगी तो बहुत बहुत बधाई और आई रियली विश कि ये गाना सब तक पहुँचे और बहुत सक्सेसफुल हो मैं मेरा सवाल uh, लक्ष्मी से है लक्ष्मी uh, इस गाने को सुनकर आप दो लाइनें कुछ कहना चाहेंगी क्योंकि ये आपकी कहानी है uh, गाने में जैसे मैंने जब गाना भी सुना सीरियसली मेरी आँख से जब से आंसू नहीं रुक रहे हैं और मैं एक ही चीज़ फील कर रही थी जब से कि काश मेरे पापा यहाँ होते तो काफ़ी अच्छा लगा और थैंक यू मैग मेघना मैम थैंक यू सो मच दीपिका ये गाना आपके लिए इमोशनल जर्नी है क्योंकि लक्ष्मी कहानी कहीं ना कहीं मेरे लिए लक्ष्मी मालती और दीपिका एक शब्द हो गए हैं जब से मैंने प्रोमो देखा है

मालती तो मतलब मत, 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 वो <laughs> लक्ष्मी तो मिक्स हो गया तो आपके लिए ये गाना आपके लिए गाना और गाने के इमोशंस कहानी के लिए किस तरह चुके गाने का लॉन्च है तो गाना कहानी के इमोशंस से मिलता जुलता और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे यही कि एक्चुअली मैं और एक डोट एक शेयर करना चाहूँगी कि एक्चुअली फिल्म का जो टाइटल पहले कुछ और ही था इट वॉज गंधा गंधक एंड आई थिंक डोरिंग द प्रोसेस मेघना मैम ने डिसाइड किया कि हमको and ये मेघना मैम कौन है मेघना गुलजार जी oh. <laughs> uh, इस टाइटल को चेंज करना चाहते थे और उन्होंने मुझे कॉल किया एक दिन एंड आई सेड क्यों चेंज करना चाहते हो मतलब गंधक मतलब सबको पता चलेगा कि क्या है सब समझ सबको समझ आएगी एंड शी सेड यू नो आई वॉन्ट द टाइटल ऑफ द मूवी आई वॉन्ट टू यूज द टाइटल ऑफ द मूवी इन अ सॉन्ग एंड दैट सॉन्ग becomes the soul of the song it becomes the thread it becomes the overarching theme that kind of just binds the whole film together and chapak honestly if i may be honest i i didn't have faith in the title when we or uh, uh, i was like okay yeah whatever mat, i mean you're the director you decide

एंड शी वॉक इन और मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि एक एक्टर के लिए आई थिंक द पर्सन दैट यू आर प्लेंग ऑन स्क्रीन उनका वैलिडेशन मिलना बहुत ज़रूरी है ऑडियंस का तो इन दिस कॉन्टेक्सट ऑडियंस का वैलिडेशन सेकेंडरी होता है सबसे पहले ये होता है कि जिसको आप पर्दे पर आप निभा रहे हो आई थिंक देयर हो वैलिडेशन फॉर मी वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो आई सेट पे एंड शी लुक इट मे एंड शी सैड माई गॉड यू लुक एग्जैक्टली लाइक मी एंड आई फील लाइक एम लुकिंग एट माई सेल्फ इन द मिरर मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं खुद को देख रही हूँ एक एक्टर के लिए इससे बड़ा वैलिडेशन हो ही नहीं सकता तो या आई एक्चुअली जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग टॉकिंग अबाउट द टाइटल ऑफ द फिल्म मैंने बहुत मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ दिए हैं पापा को <laughs> कि अब आप ये लीजिए और ये गाने में आना चाहिए um, और छपाक भी एक और ऐसा लफ्ज़ था डू यू वॉन्ट टू से मतलब आसान काम तो वैसे भी आपने कभी नहीं दिया <laughs> <laughs> तो ये काम और खुद भी कोई आसान काम किया नहीं आपने <laughs> जो काम किए हैं वो मुश्किल काम ही किए हैं पहले भी ऐसे ही हुआ था और इस बार भी कि छपाक का जो इम्पैक्ट है मैंने बिल्कुल यही कहा था कि इसका जो इम्पैक्ट है मैं उसके बारे में आपको लाइन देता हूँ वो लाइन जिससे वो वो तो ज़रूर देंगे आप और ज़रूरी चाहिए लेकिन आपको छपाक इस्तेमाल करना है तो मैं छपाक मेरे मीटर में नहीं आता कहने लें वो शंकर के मीटर में आ जाएगा आप शंकर को दे दीजिए एंड दैट इज़ वॉट हैपन एंड शंकर सेट आई विल फिट एंड आप मुझे बाकी लाइन बनाएगी वो बताइए एंड दैट इज हाउ वी हैड टू पुट आवर हेड्स टुगेदर एंड ऑल आई हैड टू डू इज कि मैं वो उतनी स्पेस लाइन में दे दूं जिसमें वो छपा बोल सकें तो लेकिन जिस तरह से छपा के इस्तेमाल हुआ उसके बाद वाकई मुझे भी लगा कि एक तो अनयूजल टाइटल तो है ही बहुत गैर तो आम नहीं है आम तरह का लेकिन इसके इस्तेमाल के साथ जो एक एक साउंड का इफ़ेक्ट आता है साथ में कि सिर्फ एक साउंड सिर्फ एक आवाज़ भी अपने आप में गाना मुकम्मल कर सकते हैं दैट इज़ शंकर

मुझे ये लगा कि अब तो हो गया सोसाइटी का काम <laughs> और वो जब जैसी मैं सो रही थी और जैसी मैंने फ़र्स्ट लुक देखा उठ के और इंस्टाग्राम खोला और अचानक से लोगों ने मुझे इतने सारे मैसेजेस किए हुए थे तो जैसे ही देखा मैंने मैंने कहा वाव लक्ष्मी <laughs> ये था और मुझे लग रहा था क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ जैसे भी कि आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी है लोगों के मन में और लोगों ने कहा कि अब तो सच में इंसाफ मिल के रहेगा क्योंकि जब आप बाहर निकल के आते हो और जब आप एक कॉज को प्रेजेंट करते हो अपनी तरफ से तब लगता है तो मुझे ऐसा लगा जब मैं जब जैसे दीपिका ने बताया कि मैं सेट पर गई फर्स्ट टाइम तो वहीं पर ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि सच में अब सोसाइटी के दिमाग से बहुत कुछ बदलने वाला है सीरियसली थैंक यू सो मच दीपिका हेलो ऑल गुलजार साहब एक छोटा yeah. सा गुलजार साहब आदाब आपका मुझे माय नेम इज आतिका फारूकी आई आई एम हियर फ्रॉम कलर्स आपका ये जो गाना मैंने देखा तो मुझे आपकी पहली फिल्म बंदनी का वो गाना याद आ गया जो आपने लिखा था कि मोरा गोरा रंग ले ले मोहे शाम रंग दे दे छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे दे और उसके बाद आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी ज़िंदगी के साठ साल हमें दिए फ़िल्मों के जरिए और इन साठ सालों में जब ऐसी फिल्में बन रही थीं जिसमें नायिका की खूबसूरती की बात हो रही थी आपने उनकी कभी कभी जिंदगी की जो बदसूरतियाँ हैं उनके बारे में बात की मौसम फिल्मों में आपने सेक्स वर्कर्स के बारे में बात की आंधी फिल्म में आपने उन औरतों के बारे में बात की जिन्हें समाज में सिर्फ इसलिए पॉलिटिकल पॉलिटी पोलि, का हिस्सा बनने नहीं दिया जाता क्योंकि वो सिर्फ महज एक औरत हैं इंग्लिश में कहावत है हैंडसम इज हु हैंडसम डज लेकिन जब औरतों की बात आती है फिल्मों में एंड आई एम थैंकफुल टू मिस्टर विजय आल्सो कि फॉक्स स्टार ने कैसी फिल्म को इस लायक समझा कि ये बड़े पैमाने पे कमर्शियली इसको रिलीज़ किया जाए गुजार साहब जब फिल्मों में औरतों की बात आती है तो उनका चेहरा कैसा दिखता है और उनका चेहरा और ख़ूबसूरत होके ही दिखाया जाना चाहिए पर्दे पर इस पर हमेशा एक ज़ोर रहता है आज के तारीख़ में जब वेस्टर्न सिनेमा में ऐसी बहुत सी आम औरतों की कहानियाँ पर्दे पर आती हैं जिनके चेहरे बड़े आम हैं लेकिन हमारी फिल्म में ऐसे चेहरे हमको नहीं दिखते जैसे नूतन के होते थे नरगिस का जो चेहरा होता था एक आम सा चेहरा हमारी इंडस्ट्री या हम लोग आज भी फिल्में देखने वाले बनाने वाले खूबसूरती पे इतना फिक्सेटेड क्यों हैं आपने साठ साल देखें आप बेहतर बता पाएंगे और मैं अपने चार्ट शो के ज़रिए आपसे इसी टॉपिक पर और बात करना चाहूँगी लेकिन ये खूबसूरती से क्या ऑब्सेशन है सिनेमा का आपने बहुत बड़ा जवाब दे दिया मैं सवाल ढूंढ रहा हूँ <laughs> क्योंकि ये सब मैं कहता अगर आप मुझसे सीधा सवाल पूछते कि आप औरत की जर्नी औरत के सफ़र को अपने शुरुआत से मुरागोरा अंग ले से लेके छपाक तक कैसे देखते हैं तो मैं ये सारे जवाब देता जो आपने कहे और मैं उनके साथ साथ चलता रहा हूँ और ये सही है कि मैं अपनी फिल्मों के दौर में भी और लिखन लिखने के दौर में भी अगर आप शुरू से देखें तो मेरी फिल्में कहीं ना कहीं वो स्त्री के लिए हैं वो लड़कियों के लिए औरतों के लिए वही सेंट्रल कैरेक्टर्स मेरी सारी फिल्मों में वो रहे हैं बल्कि हरी भाई संजीव शिकायत किया करते थे कि हर बात तुम कहते हो कि ये मेरी फिल्म है ये निकलती हीरोइन की एक बार आधी में निकला खुशबू में ओरिएंटेड डायरेक्टर नहीं बोलता लेकिन क्यों क्या जी sorry, sorry. Yeah. Yeah. हाँ. Yeah. जी सॉरी टू प्लीज बहरहाल अब ये कहूं मैंने उनका हाथ पकड़ रखा है और उनके साथ चल रहा हूँ या उन्होंने मेरी उंगली पकड़ रखी जरा मैं आपको अपनी दास्तान सुनाती हूँ और मैं उनकी दास्तान बड़े गौर से सुनता चला आया हूँ और शुक्र है कि मैं लक्ष्मी तक अभी तक सही तौर पर सफर करता हुआ आया हूँ मोरा गोरा अंग ले से मेरा चेहरा उड़ा के चला गया मिटा के चला गया वहाँ तक आया हूँ तो मेरा ख्याल है आपसे दाद चाहिए माई क्वेश्चन इज फॉर गुलजार साहब यू नो हम सबको पता है कि बेटियाँ जो हैं वो ब्लेसिंग्स होती हैं और जब वो कुछ अचीव करती हैं तो जाहिर सी बात है कि माँ बाप के कंधे चौड़े हो जाते हैं लेकिन जब वो दर्द से गुजरती हैं तो माँ बाप को उतनी ही तकलीफ होती है जब आप लिख रहे थे ये गाना क्या आप उस दर्द को महसूस कर पाए जब बेटी ने आपको दिया था एक तरफ और दूसरी तरफ एक बेटी की कहानी थी किसका दर्द महसूस किया बेटियों का बेटियों का जी हाँ जी। वो दर्द वो दर्द बेटियों के बारे में जरा सा आदमी ज़्यादा कंसर्न रहता है बेटों से कि बेटियों का अक्सर लगता है जिस तरह से समाज हमारा चला आया है वो अपने आप को संभाल लेंगे बेटियों को कौन संभालेगा मेरी बेटियों को कौन उनकी हिफाजत ज्यादा करता हूँ मैं और ज्यादा ही कंसर्न रहा हूँ और मेरी तो एक ही एक बेटी थी जाहिर है कि सारा नहीं अभी सारा आपकी तीन हैं स्टेज पे अब बहुत सी हैं अब तो आप भी उनमें शामिल हैं अब तो बहुत सी हैं लेकिन ये कि ये बेटियाँ अब आगे आ गई हैं वो बड़ी तसली हुई है कि वो अब मुझे उन्हें संभालने की जरूरत नहीं वो मुझे संभाल रही हैं वो बेटियाँ वो समाज में कंधा मिला के लड़कों के साथ रोल प्ले कर रही हैं आज फिल्म इंडस्ट्री में देखिए जहाँ कहीं कोई टेक्नीशियन एक लड़की नहीं मिलती थी सिवाय कहीं हेयर ड्रेसर में अगर नज़र आ जाए वरना आज टुडे दे आर डायरेक्टर दे आर राइटर्स दे आर परफॉर्मर्स दे आर और मेन कैरेक्टर्स लड़कियाँ कर रही हैं आते इट्स अ बिग प्रोसेस आज वो बेटी या वो माँ जिससे हम बात किया करते थे वो अधूरी सी इंग्लिश में तेरी गर्ल फ्रेंड आई थी तेरी वो सही अंग्रेज़ी बोलती हैं और कारें चलाती हैं और काम करती हैं वरना हमारे यहाँ हिरोइन को सिर्फ रख दिया जाता था और घुमाया जाता था और गानों में इस्तेमाल किया जाता था आज वो नहीं है ये बहुत बड़ी जर्नी है और बहुत बड़ा सफ़र है बहुत आगे आया है टुडे दे आर लीडिंग इसलिए उन बेटियों का कंसर्न है दर्द कम हो गया है लेकिन जाति दर्द ख़त्म नहीं हुए ये समाज के दर्द हैं जिनको लेके हम चल रहे हैं जो उनका बर्ताव है जो उनका सेट ऑफ माइंड जो माइंड सेट है जिसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो बेटी को इस तरह से देखो इस तरह से पढ़ाओ इस तरह से बड़ा करो और ये छपा जिस तरह से आपने देखी है मैं कहूँ अगर आपसे इजाज़त हो तो आपको अर्ज करूं ये कि ये जो जिसे मैं तहरीक कह रहा था मूवमेंट कह रहा था ये मूवमेंट अब आपकी है आपको पहुंचाना है और देखना है कि आपके वतन में आपके देश में लड़की की पोजीशन सामने और आगाही में नजर आनी चाहिए हेलो ऑल दीपिका जी हेलो नीलिमा कुलकर्णी शंकर साहब मेरा सवाल आपसे है कि जैसे कि ये फिल्म भी है कि ये ट्रेजिडी नहीं है ये एक होप है एक मूवमेंट है और ये गाना भी ट्रैजिक सॉन्ग नहीं लग रहा है उसमें कुछ आशा है कुछ होप है कुछ उम्मीद है तो धुन बनाते वक्त आपके ख्याल थोड़े से जानना चाहेंगे जैसे मैंने कहा कि इट्स वेरी ट्रिकी वेरी डिफिकल्ट वेरी चैलेंजिंग और uh, जब ऐसे चैलेंजेस हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो यू नो वी रियली फील जो ग्रेटिफिकेशन मिलता है इवेंशली लिसन टू द सॉन्ग दैट वी हैव डन टूगेदर तो बहुत अच्छा लगता है कि यू नो हमने म्यूजिक इज वी यूजिंग म्यूजिक नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट यू नो एंटरटेनमेंट तो होता ही है बट उसके साथ साथ इफ़ यू यूज इट फॉर अ बिगर कॉज अ लार्जर कॉज वे आर एबल टू एड्रेस बिगर इशूज लाइक दिस एट द सेम टाइम अगर ये गाना एज एन ऑडियो अभी देखिए इनका मास्टरी दिस इज वॉट इज कॉल्ड मास्टरी अब देखिए एक ही लाइन में he's justified the entire film pehchan lega it's over i mean in one line you know what the whole film is all about so that is a master's work you know and and i'm not going and we've done we've tried to do a bit it's very challenging but i hope the people like the song because we also wanted to make it audio friendly मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार क्या हो रहा है आप लोग मेहनत करते हैं जरूरी है आज की तारीख में सो वी ट्राई नो यू कैन ऑल्सो हम एट द सेम टाइम रिलेट टू सो इट्स लाइक वॉकिंग वेरी थिन लाइन दीपिका जी योर uh, सेंटर uh, कुछ फिल्म के किरदार ऐसे होते हैं जो एक्टर के जहन में इस तरह समा जाता है कि जिंदगी भर उनके दिल के करीब रहता है तो इस फिल्म के लिए कौन सा पल ऐसा था जो जिंदगी भर आपके दिल के करीब रहेगा और इस फिल्म के लिए क्या ऐसा स्पेशल आपको कॉम्प्लीमेंट मिला जो आज तक आपके करियर में नहीं मिला फिल्म तो अभी रिलीज भी नहीं हुई है पर uh, मैं इस पूरी जर्नी को कहूंगी आई डोंट थिंक बिन वन मोमेंट और वन ऐसा एक सीन आई थिंक द I think the entire journey and the entire process has been extremely rewarding, and if I may say, it's the film that I've done in my career that I'm the most proud of. Irrespective of अभी क्या होगा, फिल्म रिलीज होगी 10 को, लोग क्या कहेंगे, वो अलग बात है. But I think the fact कि uh, we've attempted this film, कि हमने ये फिल्म बनाई, to begin with.

वो बहुत ही एक इट्स जस्ट बिन वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसे कभी नहीं लगा कि मेघना गुलजार एक बहुत ही मतलब देर वॉज नो ट्रिक्स इन गेम्स इट इज़ समथिंग दैट शी हैज़ लिव्ड विद अ स्टोरी दैट शी हैज़ लिव्ड विद फॉर सो मेनी ईयर्स एज अ ह्यूमन बींग एज अ पर्सन एज अ डिरेक्टर शी वॉज रेडी टू टेल दिस स्टोरी ये कहानी बताना चाहती थी शी केम टू मी विथ इट और इंस्टेंटली मैंने हाँ कह दिया सो देअ बिन नो ओ ओ ओवर थिंकिंग ओवर प्रोसेसिंग आई थिंक जो भी हम सब ने किया है बहुत इंस्टेंटली किया है बहुत इंस्टिंगटिवली किया है बहुत दिल से किया है और हम चाहते हैं कि आप भी जब आप देखेंगे इस फिल्म को उसी तरह रिसीव करें जिस तरह से हमने इस फिल्म को बनाया है या दिस इज प्रथमेश डॉट कॉम ऑन योर राइट लेफ्ट Thanks a lot for this song. You guys, are, you guys have hit the right notes visually, audio-wise as well as emotionally, especially the word "chapak," the way it has been used. In one single instance, in one single swift stroke, how the life of a person is changed dramatically is what this song conveys. But do you have a line or two or a song in the film that also reflects upon the positivity of life?

मूवमेंट है इस तरीके जो घटनाएं घटती है वो आज भी घटती है लेकिन इन चीज़ों को कम करने के लिए ये फ़िल्म तो है ही साथ में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीज़ें कम हो और ये एग्रेशन और इम्प्रेशन के जो लोगों को आजकल जो इतना बढ़ा है वो कम कैसे किया जाए और इसको कम कैसे हो इस तरीके की घटना आप ही इस सवाल का जवाब दें एक्चुअली <laughs> hey, जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना wrong, ये, ये 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 जवाब हर इंडिविजुअल के अंदर इसका जवाब होना चाहिए और अगर नहीं है तो उसे ढूंढ के पाना जरूरी है तब जाके सोसाइटी बदलेगी एक एक इंसान से बदलती है सिर्फ एक इंसान जो डायस पे बैठा है ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है जो उनके सामने बैठ के उनको देख रहे हैं उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है तेज़ाब आजकल आसानी से जैसा आपने बोला मिलता है ये बहुत सही मैं मानती हूँ लेकिन इस चीज़ को कम कैसे किया जा सकेगा कैसे इसमें पाबंदी होगी ताकि वो न मिले उसके लिए आप फिल्म देखिए नहीं फिल्म तो हम देखेंगे लेकिन मेरा कहना है कि मैं ये कहना चाहूँगी मैम कि आम, हमारी ना ये जगह है ना ये हैसियत है कि हम आम, इन चीज़ों का समाधान कर सकें या इनकी सल्यूशन निकाल सकें हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि हम इन पर एटलीस्ट चर्चा शुरू करें कि समाधान हो इस फिल्म की कोशिश यही। can I, can I more comment from our साइड आई थिंक इसीलिए आप सबका हमको सपोर्ट चाहिए बिकॉज आई थिंक इन today's सोसाइटी मेरे हिसाब से इट इज़ one of वन ऑफ in पीपल इन दिस रूम वी मस्ट ब्रिंग up राइट यू नो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमको हर घर में

Uh, is it a second narrative or is it just her I'm narrative? Sorry, I'm going to take her. this again. Yeah, this I film mean, would not be made, this film would not be possible if Vikrant was not a part of this film, if this character was not a part of this film. You must understand, and Thank I you. said this during our trailer launch also, that Chapak has a face. And that face also needs a mirror. So that's the face and that's the mirror without which Chapak would be incomplete. I, th I think they've answered the question. Uh, yeah. vikrant, how sidelined do you feel in this film? <laughs> let's, let's put it that way. <laughs> not at all. i'm extremely Please proud give to be breaking, like, breaking news, breaking headline. News? <laughs> vikrant storms off the music lunch. <laughs> <laughs> shankar will you be also singing for the film? tell sorry, us sorry. more about the songs, other songs. सॉरी कम सा आपकी आवाज भी हम सुनने को मिलेगी इस फिल्म में नो नो मेरा वो जो आप आलाप वगैरह सुन रहे थे ना जी जी दैट इज माय वॉइस बट वी आर वेरी हैप्पी मोस्ट प्रामिसिंग से प्रॉमिसिंग मोस्ट टैलेंटेड सिंगर हु इज गोइंग टू रिमेन इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड हुआ डेप्थ इन इज वॉइस हुट म्यूजिकल नॉलेज इन इज वॉइस एंड इस अरिजीत सिंह of course the love song which is no joke That is sung by my son, Siddharth Mahadevan. Also, another very promising singer who has music in his soul. And it is actually like Shankar Sir when he sings the scratch of the song, and then Siddharth sang it. It was, you could feel Shankar Sir's presence in his singing, which is commendable, really. I actually have to say one more thing about our album, and I, I think it's something that's happened coincidentally, but Chapak film hai. एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट uh, की कहानी है उसमें तीन गाने हैं और तीनों गाने मेल प्लेबैक सिंगर्स ने गाया है वी डोंट हैव अ फीमेल प्लेबैक सॉन्ग इन दिस फिल्म विच इज़ अ कोइंसिडेंस बट एज इट टर्न्स आउट इट समथिंग आई फील वेरी प्राउड ऑफ या थैंक यू गाइज भूख लगी है क्या भाई आपका सवाल आप नहीं आपका सवाल, आपका सवाल ही नहीं समझा से नहीं है तो डायरेक्ट पूछिए इतना घूम के जाने की जरूरत नहीं है सवाल समझ में नहीं आया वैसे माइक दे दो ना माइक जी लास्ट क्वेश्चन एंड देन फोटो आप यस विक्रांत जी आ, मेरा सवाल ये था कि आ, आपने कमाल का काम किया दीपिका जी के साथ और दीपिका जी प्रोड्यूसर भी हैं फिल्म के और देखा जाए तो रणवीर सर भी एक तरह से प्रोड्यूसर क्योंकि घर का पैसा लगा हुआ है। excuse me? <laughs> ये, किसने बोला? ये, ये मेरे करना तो रणवीर सर, तो सर से क्या है आपका सवाल हो गया सर तो आपका रणवीर सर से क्या कॉम्प्लीमेंट कुछ मिला इस फिल्म करने के बाद कुछ मिला होगा कि आपने कमाल का काम किया मेरी वाइफ के साथ होने वाली है

रणवीर आपके दोस्त हैं या मैं आपकी दोस्त हूँ uh, ये सवाल ये मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली पता किसी ने पूछा था ये सवाल यस oh, yes. मैं ये कहूँगा कि uh, रणवीर मेरी uh -huh. दोस्त के हस्बैंड हैं, दीपिका के हस्बैंड हैं या सो योर क्लोज आई थिंक